हाय, हेलो, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति जांगड़ा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 35th सूरज कुंड मेला 2022 डिस्कस करेंगे, जो कि सीईटी और एसटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कब से कब तक चला, थीम कंट्री, थीम स्टेट, ये सभी आज बातें हम डिस्कस करेंगे। ये 35th नंबर का सूरज कुंड मेला है, जो कि 2022 में हुआ था। और इसकी बात करें तो हर साल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे और उसी टाइम पर 7 राज्यों ने इस मेले में क्या किया था, भाग लिया था। 1989 में राजस्थान थीम राज्य बना था। 2009 में मिश्र थीम कंट्री बना था, जो कि आंशिक रूप से बना था, पूर्ण रूप से नहीं बना था। 2012 में थाईलैंड थीम कंट्री बना था, ये पूर्ण रूप से बन गया था। और 2013 के अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था, मीन्स 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्या मिल गया था, दर्जा मिल गया था। 35th सूरज कुंड मेला 2022 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था, मीन्स 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था, फरीदाबाद में चला था ये। इसमें थीम कंट्री उज्बेकिस्तान देश था और थीम राज्य जम्मू कश्मीर था। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। इस मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव और आकर्षण का केंद्र वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर थे। और इस मेले में कलामणि, कलाश्री और कला निधि पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करें तो 34वें सूरज कुंड मेले की, ये 2020 में लगा था। 2020 में थीम कंट्री उज्बेकिस्तान था और थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था, लेकिन 2021 में कोरोना वायरस के कारण यह मेला नहीं लगा था।